तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस इलेक्ट्रिकल्स पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक बोर्ड की वायरिंग, जिसमें हमारा दो MCB, एक होल्डर और तीन स्विच, एक इंडिकेटर और एक सॉकेट का कनेक्शन हमें यहाँ पे करना है। तो देख सकते हैं गाइज, ये हमारा प्लास्टिक का बोर्ड है और इसी में हमें फिटिंग करना है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो वायर हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है स्विच सॉकेट को लगाने के लिए। देख सकते हैं, अगर सॉकेट लगाना रहेगा तो कटिंग करना पड़ेगा। ऊपर भी देख सकते हैं, यानी मार्किंग दिया है उसके हिसाब से हमें कटिंग करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए फटाफट हम इसमें स्विच और सॉकेट को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको कनेक्शन करके दिखलाते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं, ये हमारा एक सॉकेट है, एक ही सॉकेट रहेगा हमारा, और तीन यहाँ पे स्विचेज है देख सकते हैं गाइस, और ये एक हमारा इंडिकेटर है। तो ये हमारा होल्डर है, मॉड्यूलर होल्डर है गाइस, देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा MCB बॉक्स है जिसमें हमारा MCB फिटिंग होगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा 2 मॉडल का है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा MCB है जो 10 एम्पियर का है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्विच और सॉकेट को, MCB बॉक्स को, होल्डर को यहाँ इस बोर्ड में हम फिक्स कर लेंगे, यानी फिटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे। तो गाइज अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमें इसकी फिटिंग करनी है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं जहाँ पे हमारा MCB बॉक्स रहेगा, यानी MCB यहाँ पे हमारा लगेगा। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर ले रहा हूँ, देख सकते हैं गाइज, इस तरह से आपको भी मार्किंग कर लेना है अगर इस तरह का आप बोर्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो MCB के लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अब उसके बाद हमें होल्डर का मार्किंग करना है, तो चलिए उसे भी हम फटाफट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सॉकेट रहेगा, तो ये हमारा स्विच का जगह दिया था, तो यहाँ पे मार्किंग दिया था तो मैंने उसकी कटिंग कर लिया है सॉकेट लगाने के लिए। और केवल हमें इंडिकेटर की कटिंग करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका भी मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो होल और कटिंग मैंने यहाँ पे सारा कर लिया है, केवल हमें इसमें फिटिंग करना है। तो चलिए गाइज उसको भी हम फटाफट फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद कनेक्शन करके आप लोगों को दिखलाते हैं। और ये हमारा स्क्रू है जो स्विच और सॉकेट में लगेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में हमारा सॉकेट रहेगा, तो इस तरह से हम लगा लेंगे और अच्छी तरीके से फिटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं ये सादा होल्डर लगा रहा हूँ, मॉड्यूलर होल्डर हमारा नहीं लग पा रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं सादा होल्डर लगा लूँगा, इस तरह से देख सकते हैं, आपको भी लगा लेना है। ठीक है, और इस तरह से कस देना है, ये फुल टाइट हो जाएगा। और गाइस इसका लुक देख सकते हैं कितना शानदार है इस बोर्ड का। ठीक है गाइस, तो सारा फिटिंग हमने यहाँ पे कर लिया है, तो चलिए इसके कनेक्शन के बारे में भी हम जान लेते हैं किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। तो कनेक्शन हमारा सिंपल है,
तो देख सकते हैं गाइज, एक वायर का टुकड़ा मैं लिया हूँ येलो कलर का, ठीक है। तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में हम कनेक्शन कर रहे हैं, देख सकते हैं। इस तरह से आपको भी कर लेना है। उसके बाद जो सॉकेट का हमारा यल वाला पॉइंट होता है यानी फेस का, उस पर हम कनेक्शन करेंगे। तो इस साइड में हमारा यल का पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको कनेक्शन कर लेंगे। स्क्रू को फुल टाइट करना है, कभी भी स्क्रू को लूजिंग नहीं रखना है। देख सकते हैं गाइज, ये हमारा स्विच से सॉकेट को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद गाइज एक और वायर का टुकड़ा लेंगे, ये भी हमारा येलो कलर का है। तो इसका कनेक्शन हम होल्डर के एक पॉइंट में हम कनेक्शन करेंगे, देख सकते हैं। इस तरह से आपको भी कनेक्शन कर लेना है, ठीक है गाइज। अब उसके बाद गाइज हमारा जो स्विच का पॉइंट बचता है यानी दूसरा स्विच, देख सकते हैं बीच वाले स्विच में हम इसकी सप्लाई देंगे। तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में हम इसको कस देंगे। तो इस तरह से आपको फुल टाइट कर देना है स्क्रू को। अब उसके बाद एक और वायर लेंगे, देख सकते हैं। तो स्विच के तीनों टर्मिनल में हम कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह से वायर का इंसुलेशन मैंने यहाँ पे रिमूव कर लिया है। उसके बाद स्विच के निचले वाले टर्मिनल में इन वायरों को हम कनेक्ट कर देंगे, देख सकते हैं। इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। और ये हमारा फेज का वायर है, देख सकते हैं गाइस। तो स्विच के निचले वाले पॉइंट पे हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हमें देख सकते हैं गाइस, हमारा इंडिकेटर का कनेक्शन है। तो इस वाले हम वायर को बीच से कट, वायर का इंसुलेशन यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा इंडिकेटर का वायर है, इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद हम ब्लैक कलर का वायर यहाँ पे यूज कर रहे हैं न्यूट्रल के लिए। तो सॉकेट का जो हमारा यन का पॉइंट है, उस पर मैं इन वायर को लगा रहा हूँ, देख सकते हैं ब्लैक कलर की वायर को। ये हमारी मेन आउटपुट की वायर है। और उसके बाद गाइज यहाँ पे बीच से इंसुलेशन रिमूव कर देंगे, जिससे कि हमारा जो इंडिकेटर का पॉइंट है वो इसमें लग जाए। और देख सकते हैं गाइज, इस तरह से आपको भी लगा लेना है अगर इस तरह का इंडिकेटर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमें वायरों में जोड़ना होता है। तो इंडिकेटर का वायर मैं जहाँ पे ज्वाइंट कर रहा हूँ, देख सकते हैं, वहाँ पे टेप लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे टेप लगा दे रहा हूँ, देख सकते हैं। ये हमारी दोनों वायर लोड की वायर है। येलो कलर की जो वायर है हमारी फेज की वायर है, ब्लैक कलर की जो वायर है हमारी न्यूट्रल की वायर है, देख सकते हैं गाइस। अब यहाँ पे हमारा देख सकते हैं, मेजरमेंट करके वायर को कटिंग कर लेंगे और इन वायरों का इंसुलेशन हम रिमूव कर लेंगे एमसीबी में कनेक्शन करने के लिए, देख सकते हैं। और ये हमारा MCB है 10 एम्पियर का, देख सकते हैं गाइज। और ये एंकर कंपनी का है, किसी भी कंपनी का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोड का कनेक्शन करेंगे यानी आउटपुट का। तो स्क्रू को मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ, देख सकते हैं। और उसके बाद हम फटाफट कनेक्शन कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा ब्लैक कलर का वायर है यानी न्यूट्रल का। तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेंगे, एक MCB में हमारा ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद हमारा येलो कलर की जो वायर है उसका भी हम कनेक्शन कर लेंगे, देख सकते हैं। ये हमारी जो वायरें हैं लोड की वायरें हैं, ठीक है गाइज। अब उसके बाद हमारा इनपुट बचता है, तो यहाँ पे हम इनपुट का भी कनेक्शन कर लेंगे। तो उसके लिए गाइज मैं यहाँ पे ब्लैक कलर और रेड कलर का वायर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और होल देख सकते हैं इस तरह से डाल लेना है और उसके बाद कनेक्शन कर देना है। तो फेस हमारा जिस साइड में है उसमें फेस कनेक्शन करना है और न्यूट्रल का न्यूट्रल में कनेक्शन करना है, देख सकते हैं गाइज। उसके बाद हमारी जो ब्लैक कलर की वायर है उसको भी हम फटाफट MCB में कस लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारी कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद MCB का जो कवर है हम लगा देंगे फटाफट। तो चलिए उसे भी हम लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें कटिंग करना पड़ेगा, तो कटिंग भी फटाफट कर लेते हैं। तो दोस्तों लगता होगा कि आपको कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है गाइज। अभी हमारी कनेक्शन कंप्लीट नहीं है, ठीक है गाइज। यहाँ पे हमारा जो एक स्विच है खाली रहेगा, ठीक है। तो हमने जो होल्डर है देख सकते हैं गाइज, हमने उसमें न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं दिया था, भूल गए थे। लेकिन दोबारा मैं यहाँ पे कनेक्शन कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा न्यूट्रल यहाँ से कनेक्शन चला जाएगा सॉकेट से, देख सकते हैं गाइज।
तो सॉकेट में मैंने कनेक्शन कर लिया है। अब उसके बाद जो हमारा होल्डर का एक पॉइंट बचता है उसमें हम कनेक्शन कर देंगे और हमारी जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा मेन वायर है इनपुट का और ये हमारा लोड की वायर है आउटपुट की। तो चलिए गाइज अब इसमें हम सप्लाई देते हैं। हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपको चेक करके दिखला देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक बल्ब लगा रहा हूँ होल्डर में और इसमें हम सप्लाई देते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं MCB को ऑन कर रहे हैं तो हमारा इंडिकेटर जल रहा है और यहाँ पे बल्ब भी हमारा जल रहा है, यानी हमारा कनेक्शन सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला होगा। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।